तेरे यारों में। अच्छा वैसे भाई ये बताएं कि शायर के घरों पे सनाख्वां जाते हैं या शायर उनके पास आते हैं, कलाम किस तरह से कैसा लिखना है, कैसा पढ़ना है, तर्ज कैसी होनी चाहिए, कैसे ख्याल आया इतने शोरा का कलाम पढ़ने वाले अवेस कादरी को कि वो खुद भी शायरी करना शुरू करें? मैं तो इसको बस ये कहूँगा कि ये फैज़ आला हज़रत है। क्या बात यार, आला हज़रत अलैहिर्रहमा की नाते पढ़ पढ़ कर इतना तो मिलना ही है ना, करंट आ गया, इतना तो मिलना ही है ना, कम अज़ कम इतना तो मिलना ही है, ये आला हज़रत का करम है। मैं क्या हूँ, मेरी शायरी क्या, यकीन जानिए, बस ये कि शायरी एक ऐसा एक चीज़ है जो इंसान के फितरत में भी होती है, यानी कि हर कोई जो है वो शायराना ज़ौक नहीं रखता। सही, सीख भी जाए तो वो चीज़ नहीं होती नहीं, जो तड़प से बन जाए। शायरी का कितना शायर बनना, मैं समझता हूँ शायर वही बनता है जो जिसके दिल में शायरी से इश्क हो, वो समझता हो उसके इसकी तबीयत ही शायराना हो। सही, हर एक बंदा नहीं, आप देखिए कई लोगों को शायर पता ही शायर क्या होता है। सही है ना, और शायर जो होता है ना वो ऐसा होता है कि जब तक अपना कलाम लिख सुना ना दे इसको चैन नहीं आता। एक कलाम आपका अपना लिखा हुआ सुनेंगे, एक शेर एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, टीवी की आवाज को जरा बंद कर दीजिए। मोहम्मद याकूब बात कर रहा हूँ जी। याकूब साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची क्लिफ फ्रंट से। अवेश साहब मेरे क्लास फेलो है, मुझे उनसे सलाम दुआ करनी है। अच्छा कीजिए सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद याकूब बात कर रहा हूँ। मेरी अवेश साहब से मुलाकात शबीर अबू तालिब आपके किसी प्रोग्राम में कुछ अर्से पहले हुई थी जी। अच्छा, याकूब भाई, याकूब भाई मैं आपको पहचान गया, आप बिल्कुल खजूरी मस्जिद के पास रहते थे। आप खजूरी मस्जिद के पास बिल्कुल बिल्कुल, 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 और मेरे क्लास में पढ़ते थे, और मुझे कमाल है कि उन्होंने फौरन पहचान लिया उस दिन भी, हालांकि 10-12 साल के बाद मुलाकात हुई। क्या बात है, क्या बात, बस दुआ उनसे इनसे मुलाकात करके। अच्छा आप ठीक है, और मतलब यह है कि मुझे इनसे एक फरमाइश करनी है। अच्छा कीजिए। एक हमारे इलाके में होते अलहाज यूसुफ आजम अशरफी साहब जी जी, अगर उनकी कोई नात ये सुना दें तो बड़ी नवाजिश होगी। जरूर इंशाल्लाह, देखते हैं, कोशिश करते हैं। याकूब भाई बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज को जरा बंद कर दीजिए मोहतरम। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? नॉर्थ कराची से तारिक बलोच बात कर रहा हूँ जी। तारिक बलोच साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? नॉर्थ कराची से जी। फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अवेश भाई को, शबीर भाई आपको रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। अवेश भाई से एक मिनट के लिए बात करा देंगे जी। जी बात कर रहे हैं आप, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी जी अवेश भाई, मुझे छोटी सी एक फरमाइश करनी थी, सिर्फ एक शेर पढ़ने पैगाम सवाल आई है, सिर्फ एक शेर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे पहले तो अपने लिखा हुआ जो कलाम उसका कोई एक शेर। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने बहुत कलाम लिखे हैं माशा, लेकिन मुझे जो कलाम जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो उसकी मैं दो शेर। ठीक है। जब गुंबदे खज़रा क्या बात, वो पहली नजर गई। वाह वाह। जब गुंबदे खज़रा पहली नजर गई, जब गुंबदे खज़रा पे वो पहली नजर गई, आंखों के रास्ते मेरे दिल में। वाह वाह क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहुत दिल भी है शाद शाद, तबीयत है पुरबहार, लगता है आज मेरी
کیا بات خبر گئی کیا بات سبحان اللہ لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی سبحان اللہ اور آواز عبید تیری بفیضان نعت ہی کیا بات آواز عبید تیری بفیضان نعت ہی کیا بات واہ 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 بے شک سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی کیا بات ہے اچھا اویس بھائی کبھی یہ سوچا کہ کوئی اکیڈمی کھولوں